दिल्ली और ऋषिकेश हमने खुद खुद जाके मतलब मैंने साथ में जाके करवाया चली गई थी और आज फिर लाइट जा चुकी है। ये लाइट हर बार बेइज्जती कराती। लेकिन मुझे तुम्हारी ये चीज अच्छी लगी कि जो फ्रेंडशिप है ना, तुम तीनों को ना अपना रोल पता है। एक बैंड होता है ना, बैंड म्यूजिक बैंड होता है, उसमें को जो आपको पता है बैंड बनाना बहुत आसान है। हाँ तो भाई स्वागत है नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में आने वाले हमारे तरुण गिल भाई और आज होने वाली है बढ़िया सा एक पॉडकास्ट होने वाला है तरुण भाई के साथ, और उसके बाद हमारे दो पॉडकास्ट और लाइन अप है, तो देखते हैं कैसा दिन जाता है। हम वेट कर रहे हैं तरुण भाई का। हाँ तो भाई कैसा रुतबा रखोगे दिल्ली जी तरुण भाई के साथ? भाई फुल नॉर्मल रखोगे या फिर काउंटर करोगे उन्हें, मतलब कि कैसे आप बात करोगे? भाई फुल बकचोदगे, मतलब जैसे वो बता रहे हैं कि मैं तो बढ़िया ज्ञानी आदमी हूँ, पर उनकी वीडियोज ऐसी ही है, थोड़ी रोस्ट वोस्ट हुए हैं, तो कैसा क्या सोच रहे हो आप उनके बारे में? क्या भाई कुछ नहीं है, नॉर्मल नेचुरल रहेगा। वो बात क्या करने वाले हैं वो देखते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और उससे पहले का मूड? उससे पहले का मूड भी नॉर्मल है। आपका तू तड़ाक नहीं करोगे बिल्कुल भी कि ऐसे कैसे यार तरुण भाई? यार नहीं यार, वो साले बड़ी आदमी है, करेंगे फुल ऑन रील भी सोच लेते हैं उनके साथ, रील सोच लेते हैं, कोई मैगी ही वाली सोच लेते हैं, कोई बहन जो मैगी को ले। अच्छा दोस्तों कौन कौन मैगी खा के बॉडी बना रहा है जरा हमें बताओ यार। भाई आ जाओ तरुण भाई के साथ ना कुछ चैलेंज कर। देखो ये तो कुछ बढ़िया सा बॉडी बिल्डिंग का चैलेंज। मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली उन्हें पंजे में हरा दे। सही कह रहा है, उन्हें पंजे में हरा दे। पंजे में नहीं, पुशअप पुशअप लगा लेते कुछ, पंजे वंजे तो बहुत। हाँ पुशअप वो वैसी हाप जा, हरा भी सकता है ना वो, वैसे हाप जा। हम हरा सकते हैं, हारे पड़े तरुण भाई। तरुण भाई आज लगाते हैं, आ जाओ आप। हाँ चैलेंज हो जाए तरुण भाई, मजा आएगा तीनों के ये साथ। ये दो बॉडी बिल्डर बैठे हमारे, चल झूठा, और एक है तरुण भाई, देखेंगे आज। आप भी लगाओ, क्या हो गया भाई? मैं कोशिश कर दूंगा। तरुण भाई एक और यहाँ से दो लोग जाएंगे, नहीं नहीं एक वन ऑन वन, तुम साले कम हो किसी से, वन ऑन वन चल फ्लेक्स कर दो, एक एक बाई चेप फ्लेक्स कर दो, प्रॉपर मारो। पीयूष भाई फ्लेक्स, पीयूष भाई दे रहे डोला कुछ, जिम कर रहे पीयूष भाई, बत्तख लगा देंगे डरे, जिम करे पीयूष भाई। सुनो सामने आओ और वो बॉडी पोज करके दिखाओ कुछ, कंपटीशन वाले आओ, ये खड़े दोस्तों सिनेमैटिक मोन्टाज चालू कर दो। बहुत चुतिया वाली पीयूष भाई, ये भाई चलो आपकी बारी। चल तू चाहता है कि मैं ज्ञान लड़के दोस्तों दिल्ली बोल वाला तो मार। हाँ रहते ये साले कैसा क्विज तुम्हारा, एक दिखाता दिखाता बड़ा यूको उड़ा दिया भैया। अपनी बॉडी देखो तुम कहाँ जा रही है, जो आपकी चूची निकल रही है ये। भाई राजीव जी की बहुत डिमांड है ब्लॉग में पॉडकास्ट में। स्वागत है आपका आज हमारे ऑफिस में। फॉर माय गुम इंग्लिश हो जाए बाहर की थोड़ी सी। अरे यार अभी नहीं। कहते हैं भाई रियल हिट का क्या कनेक्शन है भाई? पहले हमारे चैनल का नाम था रियल शिट, अभी इंडियन ऑडियंस ना भाई बहुत सारे स्टेरॉइड की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, यंग लोग भी 18-19 साल के 17 साल के क्विक गेन्स के लिए। भाई एक तो ये चीज पूछी हो और दूसरी चीज पूछी हो भाई क्या पूछ सकता हूँ भाई, अपने इंडियन जेनेटिक्स के बारे में पूछो भाई, थोड़े से वीक एज कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज के, वो चीज पूछो। साहिल खान पे क्या है आपके व्यूज है? साहिल भाई खान पे हमारे तो भाई हमारा पॉडकास्ट हो चुका है खत्म, और तरुण भाई भी भाई कैसा लगा आपने हमें हमसे तो पॉडकास्ट में पूछा कि हमने आपसे क्या सीखा, मैं ब्लॉग पे पूछा जाता हूँ आपने हमसे कुछ सीखा नहीं सीखा? बहुत कुछ मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन मैंने ना पता क्या सीखा कि स्पेशली ऑल थ्री ऑफ यू तुम लेट ट्वेंटीज में हो, तुमने ना लोगों की बातों में नहीं, मुझे तुम्हारी हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हारी ये चीज़ अच्छी लगी कि जो फ्रेंडशिप है ना, तुम तीनों को ना अपना रोल पता है। एक बैंड होता है ना, बैंड म्यूजिक बैंड होता है, उसमें को जो आपको पता है बैंड बनाना बहुत आसान है, उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई ना कोई लाइमलाइट ले लेता है बैंड। सही बात है।
मुझे इन तीनों तुम्हें सबसे बड़ी बात ये लगी कि तुम तीनों में से लाइमलाइट, तुम तीनों की लाइमलाइट है. इट शोज ग्रेट फ्रेंडशिप. और आज की डेट में फ्रेंडशिप बहुत रेयर है. सही कह रहे भाई. मैंने पूछा था स्क्रिप्ट कौन करता है, तो आपने क्या बोला? हीरो ही करते हैं. पूछा था कि पूछा मैंने क्यों पूछा था? इसीलिए पूछा कि कोई हीरो नहीं है, तीनों हीरो. मैंने ये सीखा कि भाई ग्रेट फ्रेंडशिप्स अरे भाई आर रेयर टू कम. तो इनको मेंशन करके टैग करना है. ठीक है भाई. दीप काम गया भाई. फोटो भैया होने वाली है. फोटो यहाँ पे हमारे थंबनेल के लिए. लेट अस गो. दीप किथे आ? दीप ओ दीप, ओ हमें तो तू ही ले दे. ओ इतने यहाँ वीर है, तो फोटो ले. भाई फोटो ले. भाई ये तो लौंडे हमारे कुछ भी बात करते रहते हैं अनशंट लैंग्वेज में. अरे बहुत फनी रील हमने शूट कर दिया. बहुत फनी रील है भाई. बट इनका काम जारी है. अरे अभी कहाँ छोड़ दी, चलो. थैंक्स सर भाई, बहुत मजा आया शूट करके. आप वो देखना जरूर. पूरी स्टोरी बताओ. पूरी खोल दी तो जरूर. कितने पैसे बनाए, कितने क्या करे भाई, सब कुछ. सब बहुत जल्दी आने वाला है ब्लॉग. ये देखना जरूर. ये पॉडकास्ट ब्लॉग बोल देता हूँ, पॉडकास्ट है. बट बहुत मजा आने वाला है. थैंक यू सो मच. बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच. हाँ तो भाई आज हमारे बीच आए थे लियो ग्रेवाल पाजी. और आज हमने भाई के साथ जो पॉडकास्ट किया ना भाई, बहुत चंगा पॉडकास्ट किया है. और पाजी ने जो हमें चीजें सिखाई है ना, वो हम जिंदगी भर याद रखेंगे. भाई इतने हम्बल आर्टिस्ट से हम कभी मिले ही नहीं लाइफ में. आप नॉर्मल यार तो मिल रहे हैं. नहीं नहीं नहीं, पक्का पक्का भाई. इस काम से अलग बैठते हैं कभी, है ना. पार्टी वार्टी करते हैं. पार्टी करते हो आप? वैसे वैसे तो नहीं करता, पर ऐसे गाड़ी गुड़ी में घूम फिर लेंगे. कारोबार कर लो. हमारी कारोबार ही है. डन भाई. थैंक यू आप सबका बहुत बहुत, है ना. आपने हमें टाइम दिया, है ना. अपना कीमती वक्त निकाल के. नहीं नहीं, आप आए बाजी पंजाब से स्पेशली. दोस्तों आज के व्लॉग थोड़ा लेट शुरू हुआ, लेकिन आज के दिन के हमारे हैं तीन पॉडकास्ट. अभी लियो ग्रेवाल पाजी आए हुए थे, इनके साथ हमने एक पॉडकास्ट करा. इनका गाना हनी पाजी के साथ स्पोर्ट्स गड्डियां और ब्रेकअप पार्टी आपने सुना ही होगा. उसके अलावा गाइज अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट आ रहे हैं. एक इंस्पेक्टर साहब है, जेलर साहब है, दीपक शर्मा जी, जो कि तिहाड़ जेल के जेलर है और बॉडी बिल्डर है. उन्हें रियल लाइफ चुलबुल पांडे भी कहते हैं. उसके बाद शाम को हमारे भाई विलेन भाई आने वाले हैं. आज तो आज का दिन बड़ा मजेदार होने वाला है. सर की पर्सनालिटी देख के ही कुछ. सर ये हमारा ब्लॉग चैनल है. हाँ तो भाई ये वाला पॉडकास्ट भी खत्म हो चुका है. और इस पॉडकास्ट में सर ने जो तिहाड़ जेल के इनसाइट्स बताए हैं ना, बहुत ही जबरदस्त बताए हैं. और अभी सर के खिंचा रहे हैं फोटो सब लोग मिलके. सर सही हुआ, मजा आया हमको. अब सर भी जा चुके हैं. अब अपना होने वाला अगला पॉडकास्ट सर, वो उसमें आ रहे हैं विलन भाई. वेट कर रहे हैं विलन भाई ने 6 बजे का टाइम दिया था. 6 तो बजने ही वाले. अक्षरधाम पे है. Few moments later. भाई हाय कर दो व्लॉग फैमिली को. भाई आए सेकंड टाइम मिलने. एक घंटा पिछली बार भी बैठे थे. हाँ भाई वो ना दबते चले जाते हैं. बीन बैग वही 3 दिन बाद खराब. मैं तो गाड़ी भी चलाएंगे जब तक वो गाना नहीं चलेगा. वो चला कार हथियार को तो रोंदा. हर कार कपड़े पहन के हम डार्क्स बन गए भाई. गोवा में ऐसे ही घूम रहे भाई. भाई ये वाले गाने की वीडियो भी बहुत जानदार भाई. के लिए भी काफी घूमे हो आप बहुत जगह जगह की. ऋषिकेश तो है. अरे पॉडकास्ट में ऋषिकेश है. बनारस है. बनारस है वो भी है. बनारस हो गया और एक और जगह है कोलकाता का नहीं. बनारस है ऐसे काम है यार उसको. अयोध्या. तो भाई वही हुआ जो हमारे पहले सीजन के पहले पॉडकास्ट में हुआ था. विपुल भाई के साथ लाइट चली गई थी और आज फिर लाइट जा चुकी है. ये लाइट हर बार बेइज्जती कराती है हमारे. क्योंकि भाई मौसम भी नहीं है बाहर तो यार लाइट जाने वाला. सही बताओ ये बहुत दिक्कत है यार. एक जनरेटर लगवाना पड़ेगा यहाँ. बहुत तगड़ी बेइज्जती कर हमारे ऊपर. ये सालों हर बार होता है लाइट के ऊपर हंस रहा हूँ.
हाँ तो भाई आधे घंटे बाद नेट लाइट आई और अब हम देख रहे हैं कि पीयूष भाई का माइक नहीं चल रहा है, यहाँ लफड़े चल रहे हैं। लाइट 6 बार जाके आ गई है और अब फिर स्टार्ट करने की बारी आई। साली तलवार सी लटक रही है, जल्दी नहीं करा तो फिर भाग जाएगी। वो तुम्हारे भाई अच्छे आए हुए हैं, वरना कोई और होता तो चला जाता अब तक। ये तो फायदा है, पकड़ के बिठा लिया भाई के स्वभाव का। ये तो फायदा है भाई, कह रहे क्या हो गया नहीं आ रही तो हमारे बोलने से आ जाएगी। क्या पैनिक हो रहे हो तुम, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं।